हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग क्रिएटिविटी। आज मैं आपको बंधनवार सिखाने जा रही हूँ। ये बंधनवार के पांच छह डिजाइन्स हैं। बंधनवार को बंदरवाल और तोरण के नाम से भी बोला जाता है। ये दिवाली पर लगाया जाता है और अक्सर दिवाली पे हम नया तोरण बना के लगाते हैं, चाहे वो आम के पत्तों का हो, चाहे अपनी क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो। तो वूल का भी बनता है और क्लोथ और बुकरम का भी बनता है। आज मैं आपको क्लोथ और बुकरम का बताऊंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू मेक बंधनवार। तो रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स, लेस जो भी आपके पास अवेलेबल है, इस तरह की कोई लेस हो, और फैब्रिक ग्लू इस तरह की लेस, और कुछ पर्स आपको इस तरह के लेने, और कुछ बारीक वाले पर्स हैं। इस तरह के आपको पर्स लेने हैं लटकन बनाने के लिए। और फैब्रिक चाहिएगा जिस कलर की हमें बंधनवार बनानी है, और अगर आपके पास में नेट फैब्रिक पड़ा है तो आप उसके फ्लावर भी बना सकते हैं। और बुकरम है और ग्लूगन है। ग्लूगन से हम थोड़ा सा जो भी मोटा पेस्ट करना होगा वो करेंगे। कुछ बेल्स हैं आपके पास में तो आप बेल्स भी ले सकते हैं, प्लास्टिक के हैं या जो भी स्टील की बेल्स आती हैं आयरन वाली, वो भी आप ले सकते हो, और प्लास्टिक की भी ले सकते हो। अब फैब्रिक को हमने जो हमारा गेट का जो भी नाप है 37 टू 40 के करीब गेट की चौड़ाई जो होती है ऊपर की वो है, तो आप 37 अपने गेट का नापिए और उसके अनुसार ही आप इस बैट को काटना। इसकी 2 इंची या 2.5 के करीब चौड़ाई होगी और इसकी जो लंबाई है वो आपके गेट के अकॉर्डिंग होगी। तो सबसे पहले हमने इसे काटा है। बुकरम हमने ऐसे लेनी है कि एक साइड ग्लू है इसके और एक साइड ये प्लेन है, तो ग्लू वाली साइड पे हमें फैब्रिक रखना है। फैब्रिक को हमने इसी के नाप के अनुसार काट लिया है। ये देखिए पूरा कंप्लीट है। अब इस पे हमने फैब्रिक के साइड जो ग्लू है उसको ग्लू के ऊपर हमने फैब्रिक रखा है और इसको हम प्रेस कर देंगे। प्रेस से ये पेस्ट हो जाएगा इसके ऊपर। ये फ्रेंड्स ग्लू वाला पार्ट इस साइड नहीं है, ये प्लेन है, इधर ग्लू था, हमने इसको पेस्ट कर दिया है। ये पूरा पेस्ट हो गया है और दोनों साइड पे आपको इस तरह से ये कड़ियां लगानी है। ये हैंग करने के लिए है ये वाली, दोनों साइड पे आपको इस साइड पे भी लगानी है ऐसी, और इसको हम अच्छे से फिनिश कर लेंगे। इधर से आप स्टिच भी कर सकते हैं मशीन से, और ग्लू की सहायता से इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। अब आप या तो इसको जिस भी तरह से जो भी आपके पास में लेस है आप उसके अकॉर्डिंग इसको पेस्ट कर सकते हो, ऊपर की तरफ कर सकते हो, नीचे की तरफ कर सकते हो, और बीच में आप खाली ये वाली भी लगा सकते हो दोनों साइड ये पेस्ट करके, या फिर डबल करके इसको भी लगा सकते हो। जैसे आपके पास में लेस है आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो फ्रेंड्स ये स्पार्कल की बेल बनाने के लिए हमें एक साइड से 2 इंची या 1.5 इंची जो भी लेना चाहे, और एक साइड से बिल्कुल कॉर्नर होना चाहिए, बट दोनों साइड से इसकी कटिंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं एक साइड से आपने ट्रायंगल कर दिया हो। और इसको फोल्ड करने के लिए आपको पूरी शीट का बनाइए आप, ये बहुत अच्छी बेल बनती है, बहुत सुंदर लगती है। और ये इसको यहाँ से पेस्ट कर देंगे लाइक इस तरह से, आपको रेडी रखना है बेल। ये पेस्ट किया हुआ है। आप फैब्रिक के लिए आपने सर्कल कट किया हुआ है। सर्कल को हमने सेंटर से आपने ये फैब्रिक ग्लू लगा दिया और इसको पेस्ट कर दिया है। इसके बाद इसको इस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे हल्का हल्का लगाना है कि ये हमारा फूला वाला है, ठीक है। अब हमें जैसे ये बेल है तो हमने इसके अंदर से आपको ये लाइक, अब आपको बीट्स डालने हैं, तो बीट्स आप ये देखिए
लटकन आप कैसे भी बनाएंगे, बीट्स आप किसी भी तरह से डालेंगे, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब ये हमने कुछ फ्लावर डिजाइन बनाया है, तो इसको पहले आप बुकरम पे काटेंगे, फिर बुकरम को वही ग्लू की साइड करके और फैब्रिक पेस्ट कर देंगे। लाइक ये सिल्वर कलर का फ्लावर बनाया हमने, ये इस साइड में प्लेन बुकरम है और ग्लू अंदर की साइड था जिसपे फैब्रिक पेस्ट हो गया। ऐसे ही कोई भी आप शेप बनाएंगे और उसको ग्लू वाली साइड पे पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही हमने पिकॉक वाला डिजाइन बनाया जो अपने बंधन वाल में बहुत अच्छा लगता है, तो ये पिकॉक हमने डिजाइन किया है। आप सीधा भी ले सकते हैं गर्दन, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, और आप इसको बुकरम पे काटिए और बुकरम पे काटने के बाद इसको ब्लू क्लॉथ के ऊपर पेस्ट करेंगे, ग्लू वाली साइड पे फैब्रिक रख के उसको पेस्ट कर देंगे और उसके बाद में आप इसको डेकोरेट करेंगे। ये हमारी पिकॉक वाली बंधनवार है, वही पिकॉक को हमने डेकोरेट किया है चैन लगा के, और आइस की जगह आइस भी लगा सकते हो, आप बीट भी लगा सकते हो, और इस तरह से हमने फ्लावर लगा के वही लेस की कटिंग करके और ये फैदर लगा दिए पिकॉक के, तो ये ओरिजिनल लुक दे रहा है। और ये लटकन है, लटकन में आप पॉम्पम भी लगा सकते हैं, और ये बेल की जगह देखिए हम इस तरह से यूज किया है इसको, ये देखिए। कुछ मोटिव्स आपके पास में पड़े हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, लाइक इस तरह से। और ये जो अभी मैंने बताया डिजाइन, ये अकॉर्डिंग आपके पास में कुछ नेट पड़ा है तो आप वो बना के कॉर्नर पे लगा सकते हैं। और ये इस तरह के फ्लावर हैं, बीच में भी आप वो बना के लगा सकते हैं नेट का। और ये लटकन में आप जो भी आपके पास में कर्टन रिंग है उसके ऊपर गोटा लगा के और इस तरह से बना सकते हैं। और ये हमारे पास में जो अभी हमने आपको बताई थी गोटे वाली लेस, उसको बुकरम सर्कल वाला काटा हुआ है और सर्कल शेप के ऊपर इस तरह से इसको पेस्ट कर दिया राउंड राउंड, तो ये फ्लावर रेडी हो गया है और इसको हमने इस तरह से बना लिया है। इसमें भी लटकन हमने फैब्रिक की लगाई हुई है, देखिए आप कितनी अच्छी लग रही है, ये फैब्रिक की लटकन है। ये हमने नेट पे रिंग बनाई हुई है ये इस तरह की चूड़ी लेके, और चूड़ी पे पहले आपने गोटा लपेटा, गोटा लपेटने के बाद आपने इस तरह की कोई भी कलर का जो नेट है आपका उस तरह से ले लेंगे, तो नेट के बीच में से आपको गोटा दिखेगा जैसे ये दिख रहा है तो अच्छा लगेगा। और जहां पे ये पूरा सल आएगा उसको अच्छे से टाई करके, ये जैसे मैंने ये सल है पूरा, इसको टाई करके, और ये पेपर की रिंग बनाई हुई है, पेपर का अपन लपेट के जो बनाते हैं पतला पतला, उस तरह से ये रिंग बनाई हुई है मैंने। और इस रिंग को हमने ऊन लगा के या जो भी ये गोटा लगा के आप इसको इसके ऊपर रख सकते हो, ये वो चीज है। वही लेस की इधर ये फ्रिल जैसा लगा दिया है, आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग डिजाइन। अब जैसे मैंने इसी लेस को फ्लावर शेप में कन्वर्ट कर दिया, वही सर डाल दिए बीच में और इसको फ्लावर बना दिया, और नेट के ये फ्लावर बना दिए। नेट के फ्लावर बनाने की लंबाई 40 है और चौड़ाई 2 इंच या 2.5 ले सकते हो, बीच वाले की 1.5 ले सकते हो। और इस तरह से दो सेट फ्लावर के किए, एक पिंक किया है और एक लाइट ब्राउन किया है, और ऊपर से ये फ्लावर लगा दिया है। ये तो हो गई हमारी फ्लावर वाली। अब हमने कुछ रेडीमेड जो बाजार में आते हैं फ्लावर, हमने उसको भी ले लिया है, प्लास्टिक जो आता है, और ये हमने नेट के इस तरह से साइड लटकन बना दिए हैं, साइड में लगेंगे तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। लाइक ये बीच में हमने ये बीट्स वाली और प्लास्टिक लटकन दे दी है, देखिए इस तरह से इनको बांध दिया है, कर्टन जैसा लुक आएगा, और साइड में वही रिंग लगा दिए हैंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।